देखिए, हमने पिछले वर्ष जो है विंटर कार्निवल का आयोजन किया था, जो एक बड़ा सफल कार्यक्रम रहा था और हमने पहली बार उसका करने की कोशिश की थी और इस बार भी हम दोबारा से इसको, इस साल भी हम हमारा विचार उसको विंटर कार्निवल को करने का है। 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, इस बार हम 10 दिन का इसको 3 दिन और बढ़ाना चाह रहे हैं और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके, इसको और बढ़ा के, ताकि हम अच्छे से और कर सकें। और जी 24 तारीख से लेके 2 तारीख तक इसका आयोजन होगा। अभी हम इसका खाका तैयार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं मेरे नगर निगम के, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हैं और अनिरुद्ध सिंह जी हैं, शिमला के विधायक हरिजनाथा जी हैं, उनसे भी बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री के पास हम जाएंगे सारी चीज़ें लेके कि अब क्या क्या इसमें हम विंटर कार्निवल में कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष किया था कि हमने अपने कल्चर को, हमारी कला और संस्कृति को दिखाया था, कल्चर परेड भी हमारा एक पार्ट होता है, इसमें इसका पार्ट होता रहता है, तो उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, इसमें बैठक भी हमने ये छोटी बैठक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी की है, पुलिस विभाग के साथ भी की है और एक सेमिनार भी हमारा छापने का एक इस पर ही विचार बढ़ना, जिसमें नगर निगम की जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स है हिमाचल शिमला के शहर के बारे में उसको बताया जाएगा कि आप किस तरह से शहर में यहाँ किन किन लोगों ने यहाँ अपने टाइम स्पेंड किया और पढ़ाई लिखाई की और बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिमला में यहाँ समय बिताया है, जिनने शिमला का नाम भी रोशन किया है। तो सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे, जो शिमला एक हेरिटेज प्रदेश है और ब्रिटिशर्स की कैपिटल रही है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, कई ऐसे जो पुराने मकान हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनको दिखाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो एक उसके माध्यम से हम शिमला के बारे में जानकारी देंगे, हम सारी चीज़ें इनको चर्चा करेंगे, लेकिन एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और जिसमें हमको सभी लोगों का, आपका भी, सबका भी, जैसे मीडिया ने हमारे पिछली बार बहुत सहयोग किया था, मैं सब लोगों से, आपसे भी निवेदन करूंगा, सब शिमला को हम अच्छे से इसको हाईलाइट करें ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म, जो टूरिस्ट हमारा काफ़ी कम हुआ था पिछले साल, हमारे अच्छा टूरिस्ट आया था, ताकि हम हमारा प्रदेश जो है और शहर के लिए अच्छा व्यापार भी बढ़े। ये सारा कार्यक्रम हमारा हर चीज़ एक, मेरा ये मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं विचार विमर्श करता हूँ, कोई भी मुझे इस पे अच्छा सा आइडिया दे सकता है जो हमारे करने का हो, हम उसको करना जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग संयुक्त रूप से कोई बात को रखते हैं, कोई मंच पे रखते हैं, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी और अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। मैं चाहता हूँ हर एक शहरवासी भी और कोई दूसरे लोग भी इसमें जो आइडिया दे सकते हैं देना चाहिए, और मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी कल्चर एक अपना एक विभाग होता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शिमला में हमारा ओपन जो कल्चर परेड है उसमें पार्टिसिपेट करें वो भी, जैसे शिमला से हम 3-4 जगह इसमें स्पॉट्स रखेंगे बना के, रिज से शुरू करके स्कैंडल पॉइंट में, स्कैंडल पॉइंट से SP ऑफिस तक है, SP ऑफिस से शिमला वॉच कंपनी है, लेडीज़ पार्क है, वो अलग अलग जगह की एक्टिविटी चलती रहे, एक माहौल, एक फेस्टिवल का एक माहौल हो, और इस तरह का हमारा एक विचार। देखिए, इसमें भी हमने फाइनल इस तरह सा अभी ऐसा फाइनल नहीं किया है, लेकिन स्टॉल लगेंगे तो किस तरह के स्टॉल लगेंगे, किस तरह का किसी व्यापारी को या किसी और को कैसे नुकसान ना हो, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें अपने राय भी रखें, अपने विचार भी रखें, बात क्या लगाना चाहिए, हिमाचली फूड हमारा है उसको हम प्रमोट करना चाहिए हमको, और दूसरी चीज़ें जो हमारे सेल्फ ग्रुप्स बने हुए हैं, वो भी महिलाएं जो हमारा काम करती हैं, वो उनका, आप किस तरह से हमारा जीवन यहाँ पे, हमारा जीवन यापन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा एक हिमाचल में जो है देवी देवताओं का वास है, हम अब अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। सर, नहीं, एक्चुअली में मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी ये हुआ, पिछली बार भी हमने लोकल लोगों को ही दिया था, ड्राफ्ट लॉट्स हमने निकाले, हमने 60-65 स्टॉल्स थे, उसकी लॉटरी के माध्यम से उन्होंने निकाला दिया, ये जरूर हो सकता है कि आगे इन्होंने कहीं सबलेटिंग हुई है,
जो एक किसको दिया, कैसे दिया, लेकिन हमारे हमारे पार्ट से तो हमने जितने शॉपकीपर्स और आए, हमने नाम लिए सबको, डल एक ड्रॉज है, वो सबके सामने उसके ड्रॉज लॉट्स निकाले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी या किस तरह का वो नहीं होना चाहिए। हम अगर स्टॉल्स लगाने भी होंगे विचार करेंगे और किस तरह कौन से स्टॉल लगाने, हिमाचली व्यंजन है, हमारा अपना पहाड़ी खान पान है, किस और दूसरी चीज़ें जो जो हम अपने प्रदेश को का जो हमारा कल्चर है उसका रहन सहन खान पान किस तरह का, वो हम दिखाना चाहते हैं ताकि लोग बाहर से आए तो उस चीज़ को देखें। ये पिछली बार हमारा 6-7 दिन का था, तो इस बार हम 10 दिन का करने जा रहे हैं और 24 तारीख से 2 तारीख तक इसको हम करेंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल हमारा ये प्रयास रहेगा, ना केवल हिमाचल के हल कलाकार को भी हम मौका देंगे। हमने पिछली बार वॉइस ऑफ शिमला किया था, इस बार भी करेंगे। इस बार भी हमारा विचार है कि शिमला हिमाचल का जो कलाकार है उसको एक मंच का मिलना बहुत ज़रूरी है। जो एक हमारी जो पिछले साल की लड़की है नेहा, वॉइस ऑफ शिमला में वो विनर रही थी, हाँ, उसको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, उसने सोनी चैनल में अपने आप को परफॉर्म किया उसने एक, और अच्छा अच्छे लेवल पे वो गई। तो एक इसके पीछे मकसद ये है कि यंगस्टर जो है हमारे नई नई सोच रखते हैं, उनको भी एक उनके बैंड्स होते हैं कि ये अपना काम करते हैं, उस पर प्रोफेशनली काम करते हैं, सबको इसमें मौका देने का हमारा विचार है। और ये हमारी जो एक्टिविटीज़ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला प्रशासन और नगर निगम, ये संयुक्त रूप से हम इस काम को करेंगे। और हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स के 12 डिस्ट्रिक्ट्स ही हम कल्चर प्रेड कराना करेंगे यहाँ पे, तो पूरे शिमला के अंदर अंदर सा जो हमारा अलग अलग ज़िलों का अलग अलग जो कल्चर है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और मैक्सिमम जो बाहर से टूरिस्ट आता है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें, ताकि वो उसका आनंद ले सकें।